भाभी अभी सिर्फ इतना कहूँगी कि आपने उसका भी यकीन रखें। मैं कोई गलत फैसला नहीं करने जा रही। वक्त आने पे आपको सब कुछ बता दूंगी। हम यहाँ तेरे लिए खुशियाँ तलाश कर रहे हैं और तूने खुद अपने लिए कांटों भरा रास्ता ही चुन लिया है। जब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा तो मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, और दो कि तुम किडनी अपनी मर्जी से दे रही हो और मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की। अज़का, अज़का, क्या करना? आप फौरन डॉक्टर उमर को कॉल करें। आपकी मॉम को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पल्स बहुत लो है। मैं इमरजेंसी में कॉल करती हूँ। डॉक्टर अज़का, ये डोनर फॉर्म है, आप प्लीज़ यहाँ पर साइन कर दीजिए। और ये सक्सेसर फॉर्म है। अज़लान, आप इस पर प्लीज। बहुत उनकी खिदमत करना, बहुत ख्याल करना, उनके हम पे बहुत एहसान है। यही मौका है कि उनके एहसानों का बदला चुकाओ। डॉक्टर अज़का, आप तो बहुत बहादुर हैं। आप जैसी बहादुर और स्ट्रॉन्ग लड़की को घबराना नहीं चाहिए। Do you think mom की बॉडी इस तरह की सर्जरी का स्ट्रेस हैंडल कर पाएगी? Don't worry, इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, शी इज माई लाइफ, प्लीज बी केयरफुल। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। Trust him. बैठे। शुक्रिया। तुम नहीं आई हो यहाँ? जी, वो शीरी बीबी ने भेजा है। अच्छा अच्छा। अज़का कहाँ है? जरा उसे तो बुला दो। वो बेगम साहिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बेहोश हो गई थी, तो अज़लान साहब और अज़का बीबी उनको अस्पताल लेकर गए हैं और सुबह से अभी तक कोई घर नहीं आया वापस। तो कोई फ़ोन भी नहीं आया? मैंने अज़लान साहब को फ़ोन किया था मगर उनका नंबर बंद है। अच्छा, एक बात तो बताओ। जी। ये अज़लान साहब और अज़का आपस में ठीक तो हैं? हाँ हाँ, वो जब मैं रात को अज़का बीबी को उनके रूम में छोड़ के आई हूँ ना, तो सुबह बुलाने गई हूँ तो वो एक ही रूम में थे। अच्छा, चलो अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह दोनों को खुश ही रखे। आमीन। आमाल का दारो मदार नियतों पर है। जब इंसान नेकी की नियत करे तो फिर इधर उधर के बारे में कुछ ना सोचे, कदम आगे बढ़ा दे और खुदा के उस फरमान पर यकीन रखे कि नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं। अल्लाह बेहतर अजर देने वाला है। वो नेक लोगों और उनके नेकियों का सबसे बड़ा कदरदान है। उस पर एतबार करते हुए आंखें बंद करके आगे बढ़ जाओ। यही सब्र है जो इश्क़ इलाही की सबसे अहम मंजिल है। मेरा दिल बहुत परेशान है कंवर, लगता है किसी ने मेरा दिल निकाल लिया। अज़का बिल्कुल ठीक है अम्मा, वो दरअसल बेगम साहिबा बेहोश हो गई थी तो अज़लान साहब और अज़का उनको अस्पताल लेकर गए। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे, कभी मेरा दिल इतना परेशान नहीं हुआ। हौसला करे अम्मा, बस वो दोनों ना बेगम साहिबा की वजह से परेशान है। हाँ लेकिन मेरी अज़का ठीक तो है ना? अम्मा सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बल्कि अब तो अज़लान साहब भी अज़का के साथ बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कैसे पता? उनकी मुलाजमा है ना, उसने मुझे बताया था। कह रही थी कि दोनों आपस में बहुत खुश हैं माशाल्लाह। नहीं खबर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कभी ऐसे नहीं घबराया। माँ का दिल झूठ नहीं बोलता। मुझे बहुत परेशानी है आस्का। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। आमीन। हेलो, हाँ कैसी हो? अज़का का कुछ पता चला? हाँ ज़ैन, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, मैं उसका एड्रेस तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब मॉम कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, किडनी ट्रांसप्लांट तो सक्सेसफुल हुआ है, बट नेक्स्ट 24 आवर्स आर क्रिटिकल। एक्चुअली ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बॉडी ऑर्गन को लेके किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी के लिए ऑर्गन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप दुआ कीजिए। और सुनाओ नुसरत, क्या हाल है? खैरियत तो है? क्यों समझो, दुनिया से बेजार बैठी हूँ बस। क्यों? अल्लाह खैर करे। वैसे जब से आबिद जेल गया है ना, तुमने तो अपना हाल ही बुरा बना रखा है। जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ शरीफा, पता नहीं कब मेरा बच्चा जेल से छूट कर आएगा, कब मुझे सुकून मिलेगा। वैसे सुना है कि उसको लंबी चौड़ी सजा हुई है। हाय हाय, कहने वालों के मुंह में खाक। तू देखी, बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएगा और झूठे लोगों का झूठ उनके सामने आएगा। वैसे जब उसको पता चलेगा कि अज़का की शादी हो गई है, तब वो क्या करेगा? सच कह रही है तू, अज़का की वाकई शादी हो गई है? बिल्कुल 100% सच। उसकी बहुत बड़े अमीर कबीर बंदे से शादी हुई है। मुझे तो लगता है वो गाड़ी वाला जो उनके घर आता था ना, उसके साथ। हाय अल्लाह, शुक्र है आबिद जेल में। उसे पता लगता है, पता नहीं क्या करना था उसने शादी नहीं होने देनी थी। मुझे तो लगता है कि अज़का के घर वालों ने इस मौके को गनीमत जानकर झटपट उसकी शादी कर दी है, मंगनी का भी पता नहीं चला। जरूर अज़का ने कोई चक्कर चलाया होगा, इसीलिए तो चुपचाप शादी कर दी। बहन, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अज़का कहाँ है? जी आप कौन? एक्चुअली मैं डॉक्टर जैन हूँ, उनका क्लास फेलो था, उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। डॉक्टर साहिबा तो एक माह की छुट्टी पर हैं। एक माह की छुट्टी पे? कोई रीजन बताया ना? मालूम नहीं। थैंक यू। आपकी तबीयत कैसी है? सिस्टर, और जिस पेशेंट को मैंने किडनी डोनेट की है, वो उनकी कैसी तबीयत है? वो अभी होश में नहीं है, उनकी किडनी रिजेक्शन में जा रही है। आपके हस्बैंड बहुत अपसेट हैं। डॉक्टर उमर और उनकी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब अल्लाह के हाथ में है। सिस्टर, आप प्लीज़ मुझे उन पेशेंट के बारे में अपडेट करती रहिएगा। जी ठीक है। आप कहे तो मैं आपके हस्बैंड को आपके पास भेजूं? अगर वो आ सके तो ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है। How is this possible? आप लोगों ने मैचिंग किडनी ली है, सारे टेस्ट कराए तो रिएक्शन क्यों? देखिए, इंसान सिर्फ एफर्ट्स कर सकता है, आगे अल्लाह को क्या मंजूर है कि हम नहीं जानते। इस बात का क्या मतलब है? अल्लाह ताला के नाम पर अपनी इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे मुझे? अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ ना डॉक्टर उमर। देखो अज़लान, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन फिर भी मेंटली मैं चाहूंगा तुम अपने आप को हर बात के लिए प्रिपेयर्ड रखो। नेवर। मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिगर वे आउट। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ तो कर सकते हैं ना। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फिर ये क्यों कह रहा है? What is this supposed to mean? देखो, हौसला रखो, हिम्मत रखो और दुआ करो। हमने यहाँ दुआओं से मोज़े होते हुए देखे हैं। हरफ़े आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, वो हर बात पर कादिर है, कुछ भी कर सकते हैं। दुआओं ने आज तक मेरी जिंदगी में कोई मोज़ा नहीं किया, सिर्फ दिल बहलाने के बहाने हैं। You understand? Don't tell me this. Please, इतना नेगेटिव मत सोचो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हेल्पलेस हैं? ये कहना चाह रहे हैं मेरी माँ को नहीं बचा सकता? देखिए अज़लान, हम आखिरी हद तक सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अम्मा, अम्मा, अरे कमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। कल वाला खाना खा लिया था? भूख नहीं है मुझे बेटा। अरे अम्मा, ये क्या बात हुई? खाना तो खाएं। कमल, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। पहले पता करो कैसी है मेरी अस्का। फोन क्यों नहीं उठा रही? बेगम साहिबा से जाके पूछो कि उसका फोन बंद क्यों जा रहा है। बस एक बार मुझे अज़का की खैरियत मालूम कर दो। अम्मा, आज तो नहीं जा सकती, साहिब की तबीयत ठीक नहीं है ना। अभी भी बच्चों के लिए खाना बना रही थी, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के निकली हूँ। फिर जाहिद को दवाई भी देनी है वापस जाके। कल इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाऊंगी। बस अब अपने खाना खाना है, वादा? जाहिद को मैं एक तरह से पूछना। जी अम्मा, बैठे बैठे। मुझे क्यों बुलाया? मेरे सिस्टर से कहा था कि आपका आना यहाँ जरूरी नहीं है। सुने, वो उन्होंने बताया मुझे कि आपकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। आप परेशान मत हो, आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सब नाउमीद हो चुके हैं और तुम दुआओं की बातें कर रही हो। दुआ दवा से ज्यादा असर रखती है। अच्छा, तो तुम मांग कर देख लो, देखता हूं तुम्हारी दुआओं में कितना असर है। उससे मुझे कभी मायूस नहीं किया। अच्छा, तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती हो? कैसा चैलेंज? यही कि तुम्हारी दुआ से मेरी मॉम ठीक होती है कि नहीं। क्या हो गया, चुप क्यों कर गई? मुझे इतने दावे से दुआओं के बारे में कह रही थी ना। क्या हो गया, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगी? अज़लान साहब, हम लोग गिड़गिड़ा के दुआ कर सकते हैं। चैलेंज करने का मतलब है उस जात को आजमाना, और किसी की इतनी औकात नहीं है कि उसे आजमा सके। बड़ी बड़ी बातें मत करो, करो गड़गड़ा के दुआ, हम भी देखें तुम्हारी दुआओं का असर। पेशेंट का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा और बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रहा, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है और पल्स भी काफ़ी डाउन हो रही है। सर ब्लड टेस्ट आर आल्सो नॉट लुकिंग गुड सर, ऐसा लगता है बॉडी आहिस्ता आहिस्ता किडनी को रिजेक्ट कर रही है। तेरी हस्ती बहुत बड़ी है, वो मेरी साथ बहुत छोटी है। तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया, हमेशा मेरा भरम रखा, मेरी इज्जत रखी, मेरी मदद की। अल्लाह मैं पूरे दिल से दुआ करती हूँ अज़लान साहब की मौत को जिंदगी सेहत अदा करते, तेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। या अल्लाह मैं जानती हूँ जब कोई इंसान सच्चे दिल से किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, उस दुआ को तो कभी रद्द नहीं करता। हे मेरे मालिक, हर शय पे कुदरत रखने वाले अज़लान साहब की मौम को सेहत वाली जिंदगी अदा करते। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله. Yes, tell me about Sitwat. How is she feeling now? मैं यही बताने हूँ सर. She is improving now. Really? Yes sir. Her blood work is showing improvement. Vitals are getting better, and she has started passing urine. उनकी किडनी ने काम शुरू कर दिया है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज अ ग्रेट न्यूज। कांग्रेचुलेशंस अज़लान साहब, शी इज इंप्रूविंग, हर किडनी इज प्रॉपरली फंक्शनिंग नाउ। शी वाज एट द वर्ज ऑफ किडनी रिजेक्शन बट मिरेकल्स आई बिलीव डू हैपन। दुआ दवा से ज्यादा असर रखती, उससे मुझे कभी मायूस नहीं किया। अच्छा, तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती हो? अज़लान साहब, हम लोग गिड़गिड़ा के दुआ कर सकते हैं, चैलेंज करने का मतलब है उस जात को आजमाना, और किसी की इतनी औकात नहीं है कि उसे आजमा सके। डॉक्टर अस्का जी, आपकी मदर इन लॉ की हालत बेहतर हो रही है। क्या सच? जी, डॉक्टर उमर आपके हस्बैंड को बता रहे थे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आप रो क्यों रही हैं? खुशी के आंसू हैं। अल्लाह ने बहुत बहुत बड़ा एहसान किया। जाहिर है खुशी की तो बात है, डॉक्टर उमर भी काफी परेशान थे। सिस्टर वो अज़लान साहब किधर हैं? वो खुश होंगे? वो भी बहुत, जाहिर है वो भी बहुत खुश हैं। देखो बेटा, अब तुम भी कोई आत्मी फैसला कर ही लो। अच्छा ये बताओ, अज़का से बात हुई? असल में बेटा, मैं और तुम्हारी अम्मी अज़का के घर जाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी भी अब हो ही जाए। वो अज़का ने तो 1 माह की छुट्टी ली हुई हॉस्पिटल से। मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ उससे। क्या खुदा ना खास्ता उसकी शादी तो नहीं होगी? मालूम नहीं। आपको आपकी वाइफ बुला रही है। ओके। मुबारक हो आपको। मजाक उड़ा रही है मेरा? नहीं, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश तो तुम होगी मुझे शिकस्त देकर। और ये भी जानना चाहती होगी कि चैलेंज हारने के बाद मैं क्या फील कर रहा हूँ। इस बात से आपका क्या मतलब है? यही कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। हमारा जो चैलेंज था उसमें तुम जीत गई और मैं हार गया। ऐसा आप सोचते हैं, मैं नहीं। और वैसे भी ये मेरी जीत नहीं है, ईमान की जीत। तो तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारा ईमान मुझसे ज्यादा मजबूत है? अब आपके ईमान का क्या लेवल है, इसका हिसाब तो आप खुद ही लगा सकते हैं। अपने दिल से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सवाल रहा मेरे ईमान का, तो वो मेरे और अल्लाह के बीच की बात है। मैं कौन होती हूँ उसकी मजबूती के दावे करने वाली? अच्छा, मुझे क्यों बुलाया? मैंने आपको बुलाया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन किसी को, ड्राइवर को कहलवा के मेरा फोन मंगवा लीजिएगा। साइड टेबल पे भूल गई थी। स्टाफ से कहिए सुबह तक इन्हें स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखें। राइट सर। हर 5 मिनट के बाद बीपी नोट करें और यूरिन बैग चेक करें। श्योर सर। जी डॉक्टर साहब। आइए अज़लान साहब, मिलिए अपनी मदर से। वाह, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक तो होना ही था, ठीक हूँ मैं। पोते पोतियों के साथ खेलना है, कहीं जल्दी नहीं जा सकती। डॉक्टर थैंक यू सो मच। शुक्र तो अल्लाह ताला का अदा कीजिए, और मेरी मानिए अब आप घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लें। अगर आप बीमार पड़ गए तो इनकी केयर कौन करेगा। थैंक यू। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं अज़का के लिए, कोई हमें इतला तो दे कि हो क्या रहा है। मैं आपको कैसे इतला कर सकती हूँ, अभी तक ना ही अज़लान साहब घर आए हैं और ना ही अज़का बीबी। मुझे लगता है अज़लान साहब आ गए, मैं पूछ के आपको फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अज़लान साहब, बेगम साहिबा कैसी हैं? ठीक। वो साहब जी अज़का बीबी कैसी हैं? उनकी भाभी पूछने के लिए आई थी उनका, और बार बार कॉल करके पूछ रही है, क्या बताऊं? मैं बता दूंगा। खाना लगा दो साहब जी। नहीं, कुछ देर सोना चाहता हूँ। जी हाँ, क्या बताया उन्होंने? अब आपके ईमान का क्या लेवल है, इसका हिसाब तो आप खुद ही लगा सकते हैं। अपने दिल से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मेरा ईमान अल्लाह पर कितना है और किस लेवल पर है, मुझसे ये पूछने वाली वो कौन होती है? सवाल रहा मेरे ईमान का, तो वो मेरे और अल्लाह के बीच की बात है। मैं कौन होती हूँ उसकी मजबूती के दावे करने वाली? सब झूठ, सिर्फ बातें जिनकी कोई हकीकत नहीं। आपकी बीबी ने तो नेकी की है साहब जी, और अब वो नेकी उनके लिए सदका जारिया बन गई है। इसलिए तो कहते हैं ना साहब जी कि इंसान मर जाता है और नेकी सारी जिंदगी जिंदा रहती है। ये मुझे क्या हो रहा है? वो लड़की इस काबिल ही नहीं कि मैं उसके बारे में एक लम्हे के लिए भी सोचूं। फिर क्यों? ऐसा क्या है उसकी बातों में जो मुझे बेचैन कर देती है? असल मकसद क्या है उसका? क्यों कर रही है वो ये सब? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अज़का की भाभी हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जानता हूँ। अच्छा वो बेगम साहिबा की तबीयत अब कैसी है? कौन से अस्पताल में है? हाँ वो ठीक है, वो डिफेंस में डॉक्टर उमर के हॉस्पिटल में है। और अज़का भी अस्पताल में है? जाहिर है उन्होंने गुर्दा दिया है तो वो भी वहाँ ही होगी। क्या क्या कह रहे हैं आप? शायद आप नहीं जानती, लेकिन मुझे भी ठीक से पता नहीं। आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिए कि मैंने आपको कुछ बताया है। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, अज़का बीबी ने ही बेगम साहिबा को गुर्दा दिया है, और ये बात ना बेगम साहिबा को पता है ना घर में किसी और को। मैं अस्पताल आता जाता हूँ इसलिए जानता हूँ। बताए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया तूने, क्या सोचा था हमें पता नहीं चलेगा? बता क्या पूछ रही हूं मैं? भाभी, उनका एहसान चुकाने का इससे अच्छा मौका शायद मुझे सारी जिंदगी ना मिलता। एहसान चुकाने का क्या मतलब है कि अपनी जिंदगी दांव पे लगा दे? भाभी, आप भूल गई हमारे हालात। वो वक्त जिंदगी बनाई भी तो उन्होंने ही है। बहुत बड़ी ज्यादती की है तूने अपने साथ। नहीं भाभी, मैं दिल से मुतमईन। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि अपने साथ ये। भाभी, अल्लाह कहता है कि नेकी का बदला सिर्फ नेकी है। हर बात का जवाब है तेरे पास। ये कुर्ता तो शादी किए बगैर भी तो दे सकती थी। मेरी बात सुन, क्या अज़लान साहब ने तुझे शादी के लिए मजबूर किया है? जी, मेरा अपना फैसला, मैंने मजबूर नहीं किया। और भाभी, कुर्ता देने के लिए ना रिश्तेदार होना जरूरी होता है, इसलिए। क्या वाकई उन्होंने तुझे नहीं अपनाया? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कागजी निकाह। मैम ठीक हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म और मुझे तलाक दे। क्या किया तूने उसका? सब कुछ जानते हुए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। भाभी, यही तो जिंदगी है। अल्लाह ताला जहाँ इतनी नेमतें देता है वहां पे आजमाइशें भी देता है। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस आजमाइश में पूरी उतर गई। और फिर ये भी सोचती हूँ कि लोग सारी जिंदगी एक कुर्ते के साथ गुजारते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत देगा, मैं भी गुजार लूं। आप बस अम्मा को मत बताइएगा। मैं बर्दाश्त कर सकेंगी। इश्क़-ए-ला यानी ज़ात की नफ़ी के सफ़र में दो अहम मराहिल हैं, सब्र और शुक्र। जो शुक्र करता है तो परवरदिगार का उससे वादा है कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नवाजूंगा। सुकून आ गया आपको? यह एहसान का बदला अभी भी बाकी है। वो तो बच्ची है, ना समझ। आप तो बड़े पैसे वाले हैं ना, बड़े समझदार हैं। जरा सा रहम नहीं आया उस पर? ये उसका अपना फैसला था, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की उसके साथ। आपने एहसान करके जितना उसको बेइज्जत और जलील किया है ना, उस बेचारी ने तो यही करना था। अपनी झूठी औकात दिखाई है आपने। और उसने अपनी आला ज़रफ़ी, इतना सब कुछ चुपचाप सह लिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। थोड़ी सी ज्यादती करी है। ज्यादती तो आपने की है, गुर्दा भी ले लिया और कागजी निकाह करके उसका मुस्तकबिल भी दांव पे लगा दिया। जाहिर है मतलब पूरा होने पे तलाक तो दे देंगे ना। वाह क्या बात है आपकी, इतना लालची, खुदगर्ज और मुफाद परस्त इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक बात बता दूं आपको, हमारी अस्का ना बहुत नेक है, बहुत मासूम है वो, और जो अल्लाह के मासूम बंदों के साथ ज्यादती करता है ना, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करता, और वो आपको भी कभी माफ नहीं करेगा।